So, hey guys, what's up in our new video of Luckout Gaming. आज भी हम वही वीडियो डालेंगे जो हमने कल प्रॉमिस किया था, हमारा कलेक्शन. So let's go. अगर मेरा एक्सटेंशन पैक डाउनलोडेड ना हो तो आप थोड़ा सहन कर लेना, क्योंकि मेरा एक्सटेंशन पैक डाउनलोडेड नहीं है. सो मैं आपको सबसे पहले मेरे कैरेक्टर्स दिखाता हूँ. मेरे पास ये सब कैरेक्टर्स हैं और मैक्सिमम कैरेक्टर्स इसमें से डायमंड के, जो कि डायमंड्स में आते हैं. और सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर है जो कि मुझे टॉपअप से मिला. मैंने वुकोंग के टाइम पे भी टॉपअप करा था, लेकिन उस टाइम पर मुझे नहीं मिल पाया. मेरा फ़ोन एकदम से लैग हो गया था, तो सिर्फ 100 डायमंड मिले और ये नहीं. एक मिनट बस, मैं ये रिवॉर्ड क्लेम कर लेता हूँ फटाफट. अब फ्री में जो मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए. तो अब चलते हैं मेरी ड्रेसेस के ऊपर. मेरे पास ये सब है, अभी एक्सटेंशन पैक डाउनलोडेड नहीं है इसलिए ये सब दिखा नहीं पाऊँगा मैं आपको. लेकिन ये डिस्को फ्रांसिस्को बंडल का हेड है, और ये वो एक बंडल था जो कि फ्री में उसका हेड मिल रहा था वो है. ये कैप है मेरे पास, ये हैट, ये भी कैप है, ये हैट, ये कैप, ये फिर ये पूरा फीमेल का नीचे है. फिर नीचे जाते तो ये जोकर बंडल का हेड है, ये स्केलेटन मैजिशियन मास्क का मास्क है, ये स्केलेटन मैजिशियन मास्क, रेड स्केलेटन मैजिशियन का मास्क है, ये पम्पकिन वाले इवेंट में मिल रहा था सबको, ये शायद से आलोक का जब बंडल आया था एक फ्री में, वो ब्लैक वाला जब मिल रहा था, ये फ्री में सबको मिला था. ये डिस्को फ्रांसिस्को का है, ये किसी बंडल का है जो कि मुझे याद नहीं है. ये ब्लाइंड फोल्ड, ये कोरा मास्क, और ये फीमेल का है. ये और ये तीन चीज़ें फीमेल की हैं मेन. फिर आप टी शर्ट्स पे आते हैं तो ये मेरे जोकर बंडल की, ये सूट वो उससे मिलता है, ये टोकन से, ये डिस्को फ्रांसिस्को बंडल गोल्ड रॉयल का, ये एक फायर पास में मिला था मुझे, ये भी शायद फायर पास का ही है, ये एक वैलेंटाइन्स इवेंट पे आया था, ये पता नहीं कहाँ से मिला था, ये लॉगिन पे था पहले, ये पता नहीं, ये शायद से ये जब रेट करना था अपने उसको, अपने रैप स्टार, अपने ट्रैप स्टार को,
या जो भी हो, ये सीजन 12 की गोल्ड शर्ट है, आलोक का ये टी शर्ट, ये सीजन 13 की गोल्ड शर्ट है, ये पता नहीं ये कौन सी है, ये तो शुरुआत में नोबड़ो वाली चीज़ें हैं, ये टोकन से, ये अभी रिसेंटली ईस्टर एग्स पे आई है, और ये तो सबके पास होता है, और मेरे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऐसा है जिसका कि मेरे पास 6th से ऊपर लेवल है मेरा, जो कि है क्ला, और उसके भी जैकेट है मेरे पास, उसकी उसकी लेवल अप जैकेट है ये, और ये वाला तो उससे मिलता है टोकन, ये ईस्टर एक्स पे है, और ये इस पे, ये नाइट क्लाउन का पैंट है, स्केलेटन मैजिशियन पैंट है, ये डिस्को फ्रांसिस्को वंडल का पैंट है, ये वैलेंटाइन्स का पैंट है, ये जीन्स पता नहीं मुझे कहाँ से मिला, ये भी ये शायद से उसी के साथ लॉगिन पे था, और ये पता ये शायद से गोल्ड रॉयल से मिला है, ये पता नहीं कहाँ से मिल गया, ये नूब्रो वाला, ये जीन्स भी पता नहीं कहाँ से मिला है, ये भी पता नहीं कहाँ से मिल गया, ये भी नहीं पता कहाँ से मिला है, ये अब कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। ये गोल्ड रॉयल, ये गोल्ड रॉयल, ये गोल्ड रॉयल, ये तो गोल्ड रॉयल नहीं है, ये डायमंड रॉयल से मिला मुझे, ये पता नहीं, ये भी डायमंड रॉयल का ही है, ये भी, और देखिए ये सब तो नोपड़ो वाली चीज है, ये भी। अब जूते दिखा देता हूँ, ये जूते डायमंड रॉयल से मिले थे मुझे, ये पता नहीं कहाँ से मिले, ये बैटल मेड, ये गोल्ड रॉयल के जूते हैं, ये वाले के, फिर ये मॉडर्न माफिया, ये भी शायद से कोई गोल्ड रॉयल का ही बंडल था, हाँ ये वाला, इसके साथ के जूते हैं, और ब्लैक कैजुअल जूते हैं, ये पहले से ही मिलते, और ये भी पहले से ही मिलते हैं, अब मेल जूते देखता हूँ, ये नाइट क्लाउन शूज है जोकर वंडल के, ये डिस्को फ्रेसिस्को के शूज है, ये हार्ट बूट वो वैलेंटाइन्स में मिला था, ये पता नहीं काय के हैं, ये भी पता, ये तो नॉर्मल नॉर्मल नुबड़ो वाले, मेरे पास में सिर्फ एक ही बंडल है, वो भी परमानेंट नहीं है, और मैं आपको अदर्स में दिखाता हूँ, मेरे पास 42 क्यूब फ्रेगमेंट्स है, ये इसको मैंने रिसेंटली ये खरीदने में पूरे खर्च कर दिए थे, कहाँ गया ओंड का, ये खरीदने में पूरे खर्च कर दिए, ये अभी मैं इसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, ये रैंक टोकन 755 है, इससे मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, मैं रैंक में ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, ये मेरे पास 0 है, मेरे पास पहले बहुत सारे थे, फिर मैंने बहुत सारे पेट फूड खरीद लिए थे इससे, ये 400 है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जो कि खरीद लूँ मैं इसमें से, इसलिए मैंने इस अभी तक के कुछ भी नहीं खरीदा यहाँ से, अब चलते हैं मेरे पेट के कलेक्शन पे, तो मेरे पास ये मेरा नाइट पैंथर है, जो कि मुझे एक बार कोल्ड स्टील खेलने पे क्रेट्स आई थी उसमें से निकल गया था पहली क्रेट में से, फिर ये पांडा है, ये पांडा जब
वो 100 kg का करना था पांडा जब के इवेंट का है, और ये मैंने टॉप अप करके खरीदा। अब कलेक्शन, अब इस पे मेरी चीजें देखो, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास इतने सी है क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तो क्लासिक या क्लासिकॉड ही खेलता हूँ। अभी फिलहाल तो मैंने ये इक्विप करके रखा है। चलो अब मैं ये वाला इक्विप कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मेरे पास अवतार बहुत सारे, मैं इलाइट पासेस भी लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन अभी तक इस आईडी पे मेरा एक भी इलाइट नहीं है। लेकिन मेरी एक और आईडी है जो कि मेरी वो फोन टूटने की वजह से गेस्ट आईडी थी तो चले गई थी। वो आईडी के मैं लाइट्स दिखाऊंगा आपको। ये शुरुआत में दो मिलते हैं, ये एंड्रयू, फिर कैली, निकिता, ये BSW, ये लॉगिन पे थे, ये लाख का, ये मेक्यू और मोको, ये जब फेडेड व्हील में स्पिन करे थे मैंने, ये हयाटो, ये लॉरा, ये इसी के साथ वाला बायोलॉजिकल वेपन का है, ये जब कुछ इवेंट था तब का है, ये रफाल का, ये इलाइट का है, ये जोसेफ का, ये पता नहीं कब का है, ये शानी का, ये वो जब हल्क का बंडल आया था जब का, ये पता नहीं, ये भी पता नहीं कब का है। अब लूट बॉक्सेस के मेरे पास सिर्फ 3 स्किन, 2 ही स्किन है। ये तो 6 मैच खेलने पे थी जो कि मैंने बहुत अजीब तरीके से ली थी, जो कि आपको मैं बताता हूँ। मैंने मैच में जाता था और सुसाइड करके आ जाता था। 6 मैच ऐसे मैंने 10 मिनट में खेल के ये स्किन निकाल ली। और ये वाली थी जब मिली थी, जबकि वो बलून पॉप करने का नहीं, ये विशिंग वेल में मिला था। ये बैग विशिंग वेल का है, ये नॉर्मल बैकपैक, ये विशिंग वेल से मिला। ये जब विंटरलैंड्स इवेंट आया था, ये पता नहीं कहाँ से मिला, ये विंटरलैंड्स का है, और ये विशिंग वेल का नहीं है, ये वेस्टलैंड का उसका, ये जब कब का है, ये वो फायर पास का है। ये पैराशूट मेरे पास लाइट का एक पैराशूट है, और सारे में एक दो चार, ये 4 ही पैराशूट से मेरे पास, ये प्रीव्यू होने हिल पे ले। सर्फ बोर्ड मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ये एक पहला, ये दूसरा मुझे ठीक ठीक लगता है, ये तीसरा भी ठीक है, ये क्रैकर्स वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी ठीक लगता है। ये हंगर स्ट्राइक बंडल का है, और ये पता नहीं कब का है। ये शायद से ये विशिंग वेल से मिला है, ये वो हेलोवीन के टाइम पे मिला था, ये मुझे डायमंड रॉयल से निकला था, ये विंटरलैंड्स के स्पिन व्हील में था, ये पता नहीं, ये हंगर स्ट्राइक का के टाइम पे फ्री में मिल रहा था सबको, हंगर स्ट्राइक बंडल के डायमंड रॉयल के टाइम पे सबको फ्री में मिला था। और ये शायद से इलाइट में होगा। ये मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्किन से, 2 M4A1 की, 1 M10 की, 1 AK की, एक इसकी, एक ये, एक ये, मेरे पास भी, मेरे पास में अभी तक ऐसी एक भी स्किन नहीं है जो कि शो इन लॉबी हो। शॉटगन की बस मेरे पास एक ही स्किन है, पैन की एक, और नेड की भी एक है। अब इमोट्स मेरे पास सिर्फ 3 है, 1 2 3, ये तो एक इवेंट में मिला था, ये फ्लिप करने वाले पे मिला था रैम्पेज के टाइम पे,
और ये अभी ब्लैक संडे के टाइम पे मिला था, ये मुझे खरीदना था, लेकिन इसकी जगह पे मैंने पेट फूड खरीद लिए थे गलती से। ये थ्रोन का इमोट मुझे चाहिए लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। और एक ये नहीं, ये मुझे नहीं, ये वाला एक चाहिए। नहीं ये नहीं, ये वाला चाहिए मुझे। और ये नहीं है भाई, ये तो पहली बार ये इमोट देखा मैंने। ये वाला ठीक ठीक इमोट है, इस ये सब सबसे सड़ा इमोट है। ये भी ये ठीक ठीक इमोट है, ये बहुत अच्छा इमोट है। ये ब्रेक डांस ये बहुत सही है, ये भी। और ये पावर ऑफ मनी, ये तो बहुत हार्ड है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नहीं है, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब जो मिलने वाला है, ये सारी गन स्किन्स आपको एक एक दिन के लिए मिलेगी। अब एक दिन में आपको कितने मैचेस खेलने हैं वो खेलो आप। कम से कम यार इनको एक एक महीने के लिए तो देनी चाहिए कि 1 महीने भर में अच्छे से मन भर के खेल लो इनसे। ये कैरेक्टर में से है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और इसमें भी कहूँगा कि आपको जो पसंद है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मैं देखूँगा, अगर मुझे चाहिए होगा तो ले लूँगा। ये स्किन तो मैं लूँगा, लाइवली बीस्ट। ये मुझे, मैंने आज एक भी मैच नहीं खेला है। और ये मिस्टी जैसे एक्सचेंज एक्सचेंज में ये मैं रोज चेक इन करता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े से गन स्किन चाहिए। तो लास्ट टाइम वो थी एक एक की परमानेंट थी, इस बार ये स्कार की है। तो मैं हर बार करता हूँ, ये एक्सटेंशन पैक डाउनलोड होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा लक कितना था लास्ट टाइम, और मुझे तब भी बंडल नहीं मिला। मेरा लक करीब था 165 लक था मेरा, तब भी मुझे बंडल नहीं मिला। मैं स्पिन बहुत कम करता हूँ गोल्ड रॉयल। ये मेरे लास्ट 3 का है। और ये वाला मैं तो एक वन स्टार ही मिला है मुझे, 20 ही स्पिन करे मैंने टोटल। इसमें 0, इसमें तो दिखाते ही नहीं है वैसे, आज तक के एक ही बार करा है मैंने इसमें स्किन। इसमें 31 बार करा है स्पिन मैंने, इसमें 181 टाइम स्पिन करा है। देखते हैं अगर निकल गया तो बहुत अच्छी चीज होगी। ओ भाई, भाई साहब, ये कैसे हो गया भाई? कोई मुझे चिमटी काटो भाई, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। पूरा फोन शेक हो गया एकदम से, क्योंकि आज तक के मुझे बहुत कम बंडल्स लेजेंडरी निकले हैं। और निकले भी है तो मेरे को 10 का स्पिन करना पड़ता था जब निकलते थे।